नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अब से बस डेढ़ घंटे बाद उत्तर प्रदेश में पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज का दिन बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। बीजेपी ने संकल्प पत्र के द्वारा वादों का पिटारा खोल दिया। हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का वादा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर इसके लिए लखनऊ पहुंचे। सबसे पहले कुशी के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि ये यूपी को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सत्ता में वापसी का दावा कर रही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। पश्चिमी यूपी में पहले दौर की 58 सीटों पर मतदान से पहले बीजेपी ने किसानों से कई बड़े वादे किए। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया, फिर से वादा किया कि अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिन में हो जाए। नई और पुरानी चीनी मिलों पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा भी किया गया है। वहीं एमएसपी पर गेहूं चावल की खरीद को और मजबूत करने का भरोसा दिया गया है। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक सभी ने सूबे में महिलाओं की सुरक्षा 2017 की तुलना में बेहतर होने का दावा किया है। इस बार महिलाओं को महंगाई से राहत देने का वादा किया है। कन्या सुंगला योजना में मदद को बढ़ाने की बात कही गई है। ये मदद अब 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का वादा है। गरीब बेटियों की शादी के लिए 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। बीजेपी ने ये संकल्प पत्र व्यापक विचार विमर्श और लोगों के सुझाव के आधार पर बनाया है। इसमें युवाओं को लुभाने के भी कई वादे हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि हर परिवार के कम एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार की सहायता दी जाएगी। 5 साल में 5 लाख रोजगार या स्वरोजगार का वादा किया गया है। सरकारी खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का भी वादा है। छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देने का वादा है। वहीं मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। चुनाव रैलियों और सभाओं में इन दिनों गुंडों, माफिया और अपराधियों पर जबरदस्त तकरार चल रही है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने सुशासन के लिहाज से और सख्ती करने का वादा किया है। गुंडों, माफिया और अपराधियों के खिलाफ और मजबूती से कार्रवाई जारी रखने का वादा किया गया है। वहीं लव जिहाद करने पर सजा को कम से कम 10 साल
और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान करने की भी बात है। यही नहीं, देवबंद, मेरठ समेत 6 जिलों में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर का काम पूरा करने का भी वादा है। पिछले घोषणा पत्र में कई वादे पूरे हुए तो कुछ अधूरे भी रहे। मोबाइल और टैबलेट बांटने की योजना चुनाव से पहले शुरू हुई, लेकिन आचार संहिता की वजह से उस पर लगाम लग गई। 1 GB मुफ्त डेटा और लैपटॉप बांटने की शुरुआत ही नहीं हुई। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी आज अखिलेश यादव का हौसला बढ़ाने के लिए उनके लिए वोट मांगने के लिए कोलकाता से लखनऊ पहुंची। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने बीजेपी पर जमकर वार किए। हमारे साथ आरडी दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी। अगर एयर अब से बीजेपी किया तो बीजेपी देश से किया। ये लखनऊ की लड़ाई को लेकर सामने आई बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। लखनऊ में एक तरफ जहां बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी को पटखनी दे चुकी ममता बनर्जी अखिलेश यादव का हौसला बढ़ाने लखनऊ में मौजूद थी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बिजनौर में पीएम के हेलीकॉप्टर के लैंड न कर पाने को लेकर तंज किया। दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए, कह दिया मौसम खराब है। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए, कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। ममता बनर्जी ने बंगाल के स्टाइल में लोगों की तरफ फुटबॉल उछाला तो खेला होबे का नारा भी दे दिया। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल भी उठाया। वो मैनिफेस्टो ना मैनिफेस्टो मेरे को पता नहीं है, किया क्यों नहीं है इतना दिन। पहले तो करना है, उसका बाद बोलना है। आपको भी बोलना पड़ता है। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। माँ बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बीजेपी को देश के लिए खतरा बता दिया। आंदोलन को साथ मैं पहले भी थे, मैं 26 डेज हंगर स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन काल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। 2017 में देखिए, जब कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, समाजवादी पार्टी भी साफ हो गई, 47 सीट पे आ गई। फिर लोकसभा में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, साफ हो गया। अभी आरएलडी का गठबंधन, वो भी साफ हो जाएगा। जब दो असफल गठबंधन होते हैं जिनका कोई जमीन पे आधार नहीं होता, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो कभी सफल नहीं होते। ममता बनर्जी जी को उत्तर प्रदेश में कौन जानता है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जहां बीजेपी के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं बीजेपी बार बार अपने 5 साल के शासन की तुलना 2012 से 2017 के अखिलेश सरकार के शासन से कर रही है। यही नहीं, वो ममता बनर्जी के यूपी दौरे पर भी तंज कस रही है। जिस तरह से आज ममता जी भी आई हुई हैं, वो भी आज एक वातावरण और माहौल देखने आई है उत्तर प्रदेश का। हम तो कहेंगे कि चुनौती है ममता जी आई नहीं। मैंने कहा ममता जी को तो अखिलेश जी को लेकर जाना चाहिए, अयोध्या के दर्शन कराना चाहिए, प्रभु श्री राम के अयोध्या ले जाएं, काशी ले जाएं, मथुरा वो जाएं। मैंने कहा कि लेकर जाएं, अच्छा है, दर्शन करें और अखिलेश जी को कुछ सद्बुद्धि दे दें, कुछ बता दें।
यहाँ घुसपैठिया नहीं है, यहाँ घुसपैठियों की कोई कहीं नहीं, तो जो वो बताएंगी अखिलेश जी को या जो साथ है उससे आपको कोई चुनौती नहीं है? मुझे कोई चुनौती नहीं, यहाँ घुसपैठियां है ही नहीं, हम घुसपैठियों को कहाँ यहाँ महिमा मंडित करते हैं। तो अखिलेश जी करते थे वो सब निकाल के हम लोगों ने बाहर निकाल दिए, अब थोड़े बहुत बचे हैं बंगाल में, अगली सरकार वहां जब बनेगी हम वहां से भी खदेड़ देंगे। ममता बनर्जी 2024 से पहले केंद्र की राजनीति में सक्रिय होती नजर आ रही हैं। पार्टी का त्रिपुरा से गोवा तक विस्तार कर रही हैं। इसी के तहत वो लखनऊ पहुंची, मगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की वजह से चर्चा उनके दौरे से कहीं ज्यादा बीजेपी की ही रही। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।